अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाया है। मैं ईद मेले पे जा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ईद अभी तक इनकी चल रही है, तो एक्चुअली यहाँ पे होते हैं कि हर वीक ना कोई ग्राउंड्स में इस तरह ईद मेला रख देते हैं ताकि लोग आए, इंजॉय करें और ईद को सेलिब्रेट करें। जिनके अपने रही हैं यहाँ पे बहन भाई वगैरह, तो ये फिर ऐसा होता है कि हम तो सब लोग जाके वहाँ राइड्स देते हैं, खाना वगैरह होता है वहाँ पे, मतलब लाइक बाय करके खा सकते हैं आप। दूसरा शो बैग्स होते हैं बच्चों के लिए, बहुत इंजॉयमेंट होती है। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं, तो ये कि हम मगरिब के टाइम निकले थे, तो ये कि अब जाएंगे बच्चे लेके। अब हम लोग गए हैं, शाम का सा टाइम था, लेकिन सोचा था कि अब 1 आवर में वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई थी। फिर हमने फायर वर्क्स भी देखा, तो फायर वर्क आपको एंड पे लाजमी आप देखना, नहीं तो मैं इसकी न्यू वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो भी चेक करना। थोड़ा सा मैंने लास्ट पे इस पर अपलोड किया हुआ है। तो फिर अब ये जंपिंग का सा लेने लग गया था मेरा बेटा, उसके बाद फिर मैं टिकट्स लेने लगी, तो यहाँ पर इंजॉय करा है वो काफ़ी काफ़ी बड़ा था। मैं पहली दफ़ा गई थी, मुझे लगा था कि मैं पहले गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं पहले नहीं गई थी। और ये बहुत बड़ा था, पर स्टॉल्स का रश नहीं था, स्टॉल्स पे काफ़ी झूलों पे और फूड एरिया पे बहुत रश था। मेरा पहले प्लान था कि मैं यहाँ पे स्टॉल लगाती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया। अच्छा ही था क्योंकि यहाँ पर इतना रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा होगा, पर अब इतना नहीं है। काफ़ी तरह के पाकिस्तानी और दूसरे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी थे जिसमें। तो मैंने भी एक राइड ली थी अपने बेटे के साथ बैठ।